माधुरी और किशोर 23 साल के जुड़वा भाई बहन हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव एक दूसरे से एकदम भिन्न हैं। पिछले साल ही दोनों ने ग्रेजुएशन पूरी की थी और दोनों को एक ही ऑफिस में अच्छी नौकरी भी लगी थी। किशोर चलो जल्दी, लेट हो रहा है। अरे दीदी इतनी क्या जल्दी है? तुम्हें पता है ना मुझे ऑफिस लेट पहुँचना बिल्कुल पसंद नहीं। इट्स ओके दीदी, बस 5-10 मिनट इधर उधर चलता है, ये मुंबई है। जैसे जैसे घड़ी आगे बढ़ रही थी माधुरी बेचैन हो रही थी। आखिर वो अकेले ऑफिस के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद किशोर बाहर आता है। उफ, ये दीदी भी ना जरूरत से ज्यादा सिंसियर है, बस के बजाय उल्टा बाइक पर जल्दी ऑफिस पहुंच जाते हैं हम। माधुरी हमेशा की तरह ऑफिस सही वक्त पे पहुंच जाती है और अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद ऑफिस के बॉस माधुरी के पास आते हैं। मिस माधुरी, किशोर कहाँ है? मेरी एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग शुरू होने वाली है और एक जरूरी डॉक्यूमेंट किशोर के पास है। जी सर, बस आता ही होगा। मुझे HR से रिपोर्ट मिली है, किशोर हमेशा लेट आता है, इतनी गैर जिम्मेदारी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। सारे स्टाफ के सामने बॉस की बातें सुन के माधुरी बहुत शर्मिंदा महसूस करती है। क्या करूँ इस लड़के का, 100 बार समझाया लेकिन कुछ असर ही नहीं हो रहा। लगभग 1 घंटे बाद पसीने से लथपथ किशोर भागता हुआ ऑफिस पहुंचता है और तभी बॉस वहां पहुंचते हैं। ओहो मिस्टर किशोर, आ गए आप ऑफिस, बड़ी मेहरबानी की, थैंक यू वेरी मच, प्लीज पधारिए। बॉस के ताने सुनकर किशोर को गुस्सा आता है। आज आप मुझे कुछ इम्पोर्टेंट डेटा देने वाले थे, शायद आप भूल गए हैं। बॉस की बात सुन के किशोर को समझ आता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसकी आवाज गले में ही अटक जाती है। जी सर, आई एम सॉरी, वो मैं दरअसल। हाँ हाँ पता है, तुम बहुत बिजी रहते हो आजकल, इसलिए ऑफिस भी टाइम पे नहीं पहुँच पाते। पूरे ऑफिस स्टाफ के सामने बॉस की तानेबाजी सुन के किशोर के साथ साथ माधुरी भी शर्मिंदा हो जाती है। एनीवे मिस्टर किशोर, आपकी लापरवाही की वजह से हमने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट खो दिया है, एंड नाउ यू आर फायर्ड। ऑफिस के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बॉस गुस्से से बाहर निकल जाते हैं। शाम को माधुरी ऑफिस से घर आती है, किशोर उदास बैठा है। किशोर अब जो हुआ वो भूल जाओ और फिर से नई शुरुआत करो। लेकिन दीदी मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं फाइल लेके ऑलमोस्ट पहुँच ही गया था। ऑलमोस्ट? अपनी गलती को सुधारो किशोर, उसे अनदेखा मत करो वरना एक दिन बहुत पछताओगे। माधुरी किशोर को समझाने की कोशिश करती है लेकिन किशोर उसकी बात को समझ नहीं रहा। दीदी 5-10 मिनट लेट होने से कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता, ये मुंबई है, यहाँ 24 घंटे ट्रैफिक ही रहता है, कितना भी टाइम पे निकलो लेट हो ही जाता है। किशोर को अपनी ही बात पे अड़ा देख माधुरी परेशान होती है। किशोर हम दोनों एक ही जगह से ऑफिस के लिए निकलते थे और एक ही जगह पे जाते थे, मेरा तो एक भी लेट मार्क नहीं है। सब आपकी तरह नहीं होते, ओवर सिंसियर, और बाय द वे गलती आपकी भी थी। किशोर का आरोप सुन के माधुरी चौंक जाती है। क्या मतलब मेरी गलती? दरअसल आपके टाइम पे पहुंचने की आदत की वजह से मेरा लेट आना बॉस की नजर में आया और इसीलिए यह सब हुआ है। किशोर की बातें सुन के माधुरी दुखी होती है। मैं ढूंढ लूंगा नया जॉब, मुझे नहीं उस खड़ूस बॉस के साथ काम करना। किशोर अपने कमरे में चला जाता है। माधुरी सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करती है। भगवान इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मेरे भाई को सद्बुद्धि देना। अगले दिन हमेशा की तरह माधुरी ऑफिस निकलती है और किशोर सोया है। किशोर मैं ऑफिस निकल रही हूँ, खाना बना के रखा है, टाइम पे खा लेना। हाँ दीदी आप जाइए, नहीं तो वो खड़ूस आपको भी काम से निकाल देगा। माधुरी ऑफिस निकलती है, किशोर सोच में पड़ता है। अब पूरा दिन क्या करूँ यार, जॉब तो एक दिन में मिलने से रही। यस, नीरज के घर जाता हूँ, सुरेश को भी बुलाता हूँ। किशोर नीरज के घर आता है, अपना सारा फ्रस्ट्रेशन दोस्तों के साथ शेयर करता है। सारे दोस्त मिलके टाइम पास करते हैं। पार्टी में कोई डिस्टरबेंस ना हो इसीलिए सारे दोस्त अपने अपने मोबाइल साइलेंट करते हैं। ये लो मैंने भी मोबाइल साइलेंट कर दिया, फालतू में डिस्टर्ब करते हैं घर वाले। वही तो, हम क्या छोटे हैं? समझते ही नहीं, हमें प्राइवेसी की जरूरत होती है। तीनों फ्रेंड्स खा पी के टुन हो जाते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं। माधुरी हमेशा की तरह ऑफिस से निकलती है, आज उसे थोड़ी देर हुई है इसीलिए जल्दी में है। ओ गॉड, आज बहुत देर हो गई है, किशोर भूखा होगा, जल्दी घर पहुंचना होगा। माधुरी हड़बड़ी में सड़क पार करने लगती है और तभी एक ट्रक की हेडलाइट उसकी आंखों पे पड़ती है और भयानक सी ब्रेक लगाने की आवाज आती है। किशोर के फोन पे लाइट फ्लैश होती है, कोई उसे कॉल करने की बार बार कोशिश कर रहा है।
माधुरी को अस्पताल एडमिट किया जाता है। उसे बहुत गंभीर चोटें आई है और बाजू में बैठा किशोर रो रहा है। हमने आपको कॉल करने की बहुत कोशिश की लेकिन आप फोन ही नहीं उठा रहे थे। तभी एक डॉक्टर कुछ रिपोर्ट्स लेके वहाँ आते हैं। I'm sorry किशोर, लेकिन हम तुम्हारा ब्लड माधुरी के लिए नहीं यूज कर सकते। लेकिन डॉक्टर, हम जुड़वा है और हमारा ब्लड ग्रुप भी सेम है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे ब्लड में पेस्टिसाइड्स की मात्रा बहुत ज्यादा है जो माधुरी के लिए हानिकारक हो सकती है। अब क्या होगा डॉक्टर, प्लीज मेरी बहन को बचाइए। डोंट वरी, एक डोनर आ रहा है। एक्चुअली उसे अब तक पहुँच जाना चाहिए था, पता नहीं लोग वक्त का पालन करना कब सीखेंगे। डॉक्टर की बातें सुन किशोर मन ही मन अपसेट हो जाता है। तभी एक लड़का वहाँ पहुँचता है। डॉक्टर मैं डोनर हूँ। अरे लेट क्यों हो गए, इमरजेंसी है बताया था ना। डॉक्टर सिर्फ 5 मिनट ही देर हुई है। 5 मिनट के 300 सेकंड्स होते हैं और शायद किसी के लिए 1 सेकंड भी बहुत कीमती हो सकता है। चलो जल्दी। डॉक्टर और वो डोनर निकल जाते हैं। किशोर सोच में पड़ता है। 5 मिनट इधर उधर चलता है, ये मेरी सोच कितनी गलत थी। मुझे माफ कर देना भगवान, मैं आज से खुद का और दूसरों के वक्त का मान रखूंगा, लेकिन प्लीज मेरी बहन को बचा लेना। तो देखा दोस्तों, कैसे एक अनचाही घटना ने किशोर को अपनी गलती का एहसास कराया। इसीलिए हमेशा वक्त की कीमत समझिए, उसका आदर कीजिए। चलिए फिर जल्द ही आपको मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। बाय बाय, टेक केयर। लल्लन रोज की तरह अपने छोटे से रद्दी के ठेले पे बैठा था। लोग रद्दी बेचने आ जा रहे थे, तभी उसकी पत्नी और बेटा वहाँ आते हैं। सुनिए, आज बंटी की फीस भरने का आखिरी दिन है। ये लो 500 रुपए, कैसे तैसे जमा कर पाया हो। रेशमा और बंटी निकल जाते हैं और लल्लन सोच में पड़ता है। ये धंधा अब कुछ खास नहीं चल रहा। सबके पास मोबाइल आया है और गाँव के नौजवान तो उसी पे ऑनलाइन खबरें देखते हैं। न्यूज़पेपर खरीदी बहुत कम हुई है। बंटी को स्कूल छोड़ के लौटते वक्त रेशमा फिर से ठेले पे आती है। लल्लन को चिंतित देख सोच में पड़ती है। सुनिए, क्या हुआ, सब ठीक तो है? मैं सोच रहा था कुछ और काम धंधा भी शुरू करूं। इस रद्दी के धंधे से हमारा गुजर बसर नहीं होगा। आप ठीक कह रहे हैं, बंटी की पढ़ाई का खर्चा बढ़ते ही जाएगा। क्यों ना हम उसे सरकारी स्कूल में पढ़ाए। नहीं नहीं, मैं उसकी पढ़ाई में कोई समझौता नहीं करूंगा। बंटी पढ़ाई में बहुत ही होशियार है और हमेशा स्कूल में अव्वल आता है। कई बार स्कूल के बाद और छुट्टी के दिन वो रद्दी के ठेले पे बैठ के अपनी पढ़ाई पूरी करता है और लल्लन का हाथ भी बटाता है। बंटी मैं जरा बैंक होके आता हूँ, ठेले पे ध्यान रखना। जी पिताजी। बंटी बड़ा तेज दिमाग है, वो ठेले पे आए ग्राहकों की रद्दी ठीक से तोल के उनसे पैसे की लेन देन करता है। चाची आपकी रद्दी 3 किलो 700 ग्राम है, ये लीजिए 55 रुपए 50 पैसे। अरे वाह बंटी, बड़े होशियार हो, बिना कैलकुलेटर के हिसाब कर दिया। खाली समय में बंटी ठेले पे आई विविध विषयों की किताबें पढ़ता है और इसी कारण उसका जनरल नॉलेज काफी अच्छा हो गया है। ऐसे साल गुजर गए और एक दिन अनहोनी हो गई। रास्ता क्रॉस करते वक्त लल्लन और रेशमा का एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ और उसमें दोनों की मौत हुई। अब बंटी एकदम बेसहारा हो गया। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा खाना बना दूंगी और तुम्हें शिक्षा भी दूंगी। बंटी तुम तुम्हारे दूर के चाचा के पास क्यों नहीं चले जाते, वो तुम्हारी परवरिश करेंगे। नहीं चाचा, मेरे पिताजी को किसी का भी एहसान लेना पसंद नहीं था। मैं खुद रद्दी बेचूंगा और अपनी परवरिश करूंगा। जैसा बाप वैसा बेटा, ठीक है हम तुम्हारे साथ है। कुछ दिन बाद बंटी ने रद्दी का ठेला संभाल लिया, लेकिन इस दौरान उसकी स्कूल की पढ़ाई छूट गई। अब उसके स्कूल के कुछ बिगड़ेल लड़के उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे वो देखो, हमारे स्कूल का स्कॉलर तराजू लेके बैठा है। क्या तोल रहे हो स्कॉलर, अकल बड़ी की भैंस। अब इसका फ्यूचर तो सेट हो गया यारो, आखिर रद्दी वाला ही बना अपने फादर के जैसा। लड़कों की बातें सुनकर बंटी दुखी होता है, लेकिन फिर अपने काम में जुट जाता है। नाइट स्कूल में एडमिशन लूंगा तो मैं अपने पिताजी का सपना पूरा कर सकता हूँ, फीस भी कम होंगी। अगले दिन से बंटी नाइट स्कूल जाना शुरू करता है। दिन भर रद्दी का ठेला, किताबें पढ़ना और रात को नाइट स्कूल, अब उसका रूटीन बन जाता है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं, गर्मियाँ शुरू होती है। एक दिन बंटी के ठेले के सामने एक आलीशान कार पंचर होती है। अंदर एक बड़े ऑफिसर बैठे दिखाई देते हैं। सर आपको पानी चाहिए या आपको थोड़ा आराम करना है तो आप मेरे ठेले के छांव में बैठ सकते हैं। बंटी की समझदारी देख ऑफिसर उसके ठेले पे आके बैठते हैं।
उनके हाथ में एक न्यूज़पेपर है। पंचर रिपेयरिंग का काम एक तरफ शुरू होता है, दूसरी तरफ ऑफिसर एक पहेली सुलझाने में दंग हो जाते हैं और बंटी उन्हें ऑब्जर्व करने में। कुछ समय बाद कार ठीक हो जाती है और ऑफिसर वहाँ से निकल पड़ते हैं। पहेली वाला न्यूज़पेपर वो वहीं छोड़ जाते हैं। अरे ये क्या, लगता है सर गलती से ये न्यूज़पेपर भूल गए हैं। गाड़ी का नंबर नोट करता हूँ। बंटी फुर्ती से कार का नंबर नोट करता है। अब उसका ध्यान न्यूज़पेपर की पहेली पे जाता है। ओह, इस महाशब्द पहेली का सिर्फ एक ही शब्द बाकी है, बाकी तो सर ने सुलझा ली है। बंटी रोज रद्दी में आने वाली पेपर्स की पहेलियाँ सुलझाते सुलझाते एकदम माहिर हो जाता है, इसीलिए बचा हुआ शब्द आसानी से पहचान कर पूरी महापहेली सुलझा लेता है। जो काटे तो चुभती है लेकिन उल्टा काटती नहीं, जो एक बार बढ़ने लगे तो बिल्कुल रुकती नहीं। एकदम आसान जवाब था, ये शब्द पहेली तो कंप्लीट हो गई। अब बंटी की नजर उस पहेली के इनाम पर जाती है और उसे आश्चर्य का धक्का लगता है। ओह, इस महापहेली को सुलझा के जो सबसे पहले भेजेगा उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। बंटी बिना वक्त बर्बाद किए पोस्ट ऑफिस पहुँचता है, उस न्यूज़पेपर को उसमें दिए गए एड्रेस पे पोस्ट करता है और फिर अपने रूटीन में व्यस्त हो जाता है। 1 महीने बाद बंटी के सामने एक नई मुसीबत खड़ी होती है। उसके ठेले के सामने कोई और रद्दी की दुकान खोलता है और ज्यादा भाव में रद्दी लेना शुरू करता है। बंटी के सारे ग्राहक अब उस नई दुकान में जाने लगते हैं। अब तो मेरा इस धंधे में टिकना कठिन है, दूसरा कुछ काम देखना होगा, लेकिन पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। बंटी अपना ठेला बंद करने की सोच ही रहा था कि तभी कुछ प्रसार माध्यमों की गाड़ियां वहां आती है। चैनल के रिपोर्टर्स, कैमरामैन आदि बंटी को घेर लेते हैं। सारा गांव जमा हो जाता है और बंटी पूरी तरह से उलझन में पड़ता है। नमस्कार बंटी जी, इतनी बड़ी सफलता पाने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बंटी जी, हमें बताइए आपने ये महाशब्द पहेली सुलझाई कैसे? कौन है आपकी प्रेरणा? जी, आप क्या कह रहे हैं, कौन सी पहेली? एक रिपोर्टर उसे वो शब्द पहेली दिखाता है और बंटी चकित हो जाता है। ये देखिए बंटी जी, आपने ये 1 करोड़ के इनाम वाली महाशब्द पहेली सुलझाई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप करोड़पति बन गए हो, वो भी इतनी कम उम्र में। अब बंटी को सारी बातों का खुलासा हो जाता है। ये बात है, अगर मैं ये स्वीकार करूं कि वो पहेली मैंने ही सुलझाई थी और 1 करोड़ लूं, तो मेरी जिंदगी आसान बन जाएगी। बंटी को उलझन में पड़ता है। देखिए, ये पहेली मैंने नहीं सुलझाई है, इसलिए इस इनाम का असली हकदार मैं नहीं हूँ। बंटी की बात सुन के सारे उपस्थित लोग अचरज में पड़ते हैं। क्या बोल रहा है ये लड़का, लगता है शौक में गया है। मुझे लगा ही था ये छिछुंदर का ये महापहेली सुलझाएगा, पागल है क्या, 1 करोड़ पे पानी फेर रहा है। बंटी जी, आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, इस इनाम का असली हकदार वो है जिनके गाड़ी का नंबर MP06AB5432 है। अरे ये तो चैटर्जी सर के कार का नंबर है ना, इस न्यूज़पेपर के ओनर। व्हाट अ कोइंसिडेंस, व्हाट अ न्यूज़। तभी बंटी ने बताई कार वहाँ आती है और कार से वही ऑफिसर उतरते हैं। वो बंटी के पास आते हैं। बंटी, इस इनाम का असली हकदार मैं नहीं तुम हो। सर प्लीज हमें सारी हकीकत खुल के बताइए। मैंने आखिरी एक जवाब ना आने पे वो न्यूज़पेपर फ्रस्ट्रेट होके बंटी की दुकान में फेंक दिया था। मेरे ही न्यूज़पेपर ने मुझे चैलेंज किया था और हराया था, इसीलिए मेरा ईगो हर्ट हुआ था। मिस्टर चैटर्जी की बात सुन के सारे लोग चकित होते हैं। लेकिन आज बंटी की ईमानदारी और होशियारी देख के मेरी आंखें खुल गई और मेरा इंटेलिजेंट होने का घमंड भी उतर गया। चैटर्जी की बातें सुन के सारे उपस्थित लोग तालियां बजाते हैं। बंटी की आंखें भर आती है। बंटी, आज से तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करोगे और अपने माता पिता का सपना पूरा करोगे। मिस्टर चैटर्जी बंटी को 1 करोड़ का चेक प्रदान करते हैं। सारा गांव बंटी की नम्रता, ईमानदारी और होशियारी देख के सराहना करता है। काश आज माँ और पिताजी होते।